इंजीनियर की लाइफ ये होती है जब उसके अंदर सबसे महंगी मशीन है। ये किसकी कॉस्ट कितनी है ब्रो? 1,30,000। ये देख लो मेरे हाथ में, हल्का सा भी इसको ऐसे कर दिया ना तो समझ काम इसका खत्म। आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है, आप भी यूज़ कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं आप उसके जरिए देख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल सही, यानी कि इंटरनेट, जो वाईफाई, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिकल, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में आई है इस टाइम, तो वो किस तरीके से काम करती है और जो उनकी वायर्स होती है वो कैसी होती है, कहाँ पे जाती है, कहाँ पे आती है, किस तरीके से जो उसका नेटवर्क है वो किस तरीके से वो काम करता है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। या फिर अगर आपके घर के आसपास या किसी की फाइबर की तार टूट जाती है तो किस तरीके से उसे ठीक किया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे जोड़ लगता है या फिर वहाँ पे सेटअप बॉक्स लगता है, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरी बाइक वहाँ पे खड़ी है और मैं उस बाइक पे जाने वाला हूँ, और जैसे कि मेरी टीम वहाँ पे ऑलरेडी पहुँची हुई है तो वहाँ पे मेरी वेट कर रही है, तो वैसे ही मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपका जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आज की वीडियो। इंजीनियर की लाइफ ये होती है जो फाइबर ऑपरेट करते हैं, फाइबर ऑपरेट करते हैं। जो टूटी है दिख रही है ऊपर, ये भी तार है, इधर जाके ना रोल उधर आ रहा है अपना, अपना पौड़ी नहीं पूरे से तार यार तोड़ती है बनती है। ये वाली तार है जो टूट गई थी हमारी, एंड अब इससे रिपेयर करने जा रहे हैं, यानी कि इस पर ज्वाइंट लगेगा, तो देखते हैं ज्वाइंट जो लगाने वाले किस तरीके से लगाएंगे, वही इंजीनियर लगाएंगे ये वाले। आज कर लिया तू ओ, चढ़ गया बंदा ऊपर, ओह बड़ा रिस्की काम है ये। देखो यहाँ पे बिजली की तार है, वहाँ पे ज्वाइंट लगा हुआ है बिजली का मेन कनेक्शन का, और वो चढ़ा हुआ ऊपर भाई साहब। हमारी जो वायर है ना, वायर जो वो वायर यहाँ से यहाँ पर ऐसे यहाँ से आके ना इस खंभे पे और यहाँ पे सीधी यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे लटक रही हो तार, ये वाली टूटी है ये वाली, और यहाँ से सीधी है ना वहाँ पे जाने वाली है लंबी, तो उससे ज्वाइंट लगाएंगे यहाँ पे। बाइक सेफ है यहाँ पे? नहीं खड़ी है वहाँ पे। वैसे तो इस लाइन में अगर आपने ज्वाइन करना तो मेरे हिसाब से कुछ खास फ़ायदा नहीं है, धक्के धक्के है बिल्कुल ही, कुछ खास सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ 10-12 या सैलरी मिलती है, ज़्यादा जोर लगा के जो सैलरी होती है वो होती है तकरीबन मोस्टली 15-16 आपके आसपास ही होती है तकरीबन, और उससे ज़्यादा नहीं है। पूरा दिन बगाई 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 जैसे आप देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा रिस्की काम है, वो ऊपर चढ़ा हुआ तकरीबन जैसे कि बिजली जो खंभे होते हैं हमारे वो उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है तकरीबन मोस्टली, कहीं पर कुछ भी कैसे भी तरीके से एक्सीडेंट हो, कोई सेफ्टी नहीं इसके अंदर। यस ब्रो, चढ़ दे। अब यहाँ पे टिफिन बॉक्स लगाने वाले हैं। टिफिन बॉक्स वो वाला नहीं है जो रोटी का होता है, पिज्जे वाला बॉक्स नहीं है, ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स लगा यहाँ पे ज्वाइंट के लिए, यानी कि इसे ज्वाइंट बॉक्स बोलते हैं। तो किस तरीके से इसे इंस्टॉल किया जाता है वो हम करने वाले हैं, और आपको एक बात बता दूं, ये इसके बॉस के अंदर सबसे महंगी मशीन है। ये किसकी कॉस्ट कितनी है ब्रो? 130,000 यानी कि 1,30,000 की जो ये मशीन है छोटी सी ये वाली, जो तार को ज्वाइंट लगाती है वो वाली मशीन है। पर मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इस तार के अंदर ना इतनी ब्रीक ब्रीक वायर है, इतनी ब्रीक ब्रीक वायर है कि जैसे कि कंच की वायर होती है ना बिल्कुल छोटी सी, उस टाइप की वायर है उसके अंदर। कितनी 8 वायर होती है, कितनी 6 होती है? 12 वायर, बिल्कुल छोटी सी सुराख में, यानी कि 12 वायर
और किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, किस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं वो भी। ओ देखो मेन खा रही है गुरु, तार को खा रही है, पागल हो रहे। ऊपर करके बांध दे, ऊपर कर दे। ये वाली मशीन है भाई, ये बॉक्स है, तो जैसे इसका ढक्कन खुलता है ये इसका जॉइंट का स्टेप है, सेटअप है। बताता हूँ मैं कैसे किस तरीके से लगाना है इसको। ये वाली फाइबर की वायर है, फोकस करो भैया इसको जल्दी से। जी हाँ, ये वाली फाइबर की वायर है, जो ये पतली सी वाइट कलर की जो जा रही है, इसके अंदर 12 वायर्स है। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा दिखेगा ना तो काफ़ी, सारे का सबका कलर अलग अलग होता है ना ब्रो। हाँ। सबका कलर अलग अलग होता है। देखिए कितनी मोटी है, इसके अंदर 12 वायर्स है, जिसकी 12 वायर, जिस चीज के साथ 1000 MBPS की स्पीड आ जाती है इस वायर के साथ। इसे खोल कर दिखाता हूँ मैं अभी। अभी भैया ने बताया ये वाली वायर 6 वायर वाली है, इनकी 12 वायर वाली नहीं है। तो मैं इसकी वायर जो है वो दिखाता हूँ, कितनी बारीक है देखिए, जैसे आपका बाल होता है ना बाल, उस तरीके से ये वाली वायर है इसकी। तो अब इस तरीके से जॉइंट लगने वाला इसका देखिए। बॉक्स खुलेगा अभी, ये भाई सबसे पहले यानी कि मेरे पास 2018, 2019 और 2020 में इसने मेरे साथ काम किया है, बस फ़र्क इतना है मैं थोड़ा सा अलग रास्ते पे निकल गया, ये अलग है। और पहले टेक्नीशियन था और अभी इंजीनियर है फाइबर का, और काम एकदम फर्स्ट क्लास, देखने में जैसा मर्जी लगे। ओले ओए 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 बॉक्स चले गए, सांड ने वायर खींच ली है। ओ शिट यार, बहुत दुखी। देखो ऐसे कारनामे, खट जा खट जा खट जा खट जा खट जा। अभी रोजा खुल गया है मेरा, और ये पानी की बोतल ले ली है मैंने, क्योंकि मैं घर पे अभी जा नहीं सकता, तो अभी काम पेंडिंग पड़ा है मेरा। तो रोजा खोलने के लिए मैंने पानी की बोतल ली है, और वहाँ पे कुछ ब्रदर को भी प्यास लगी थी, तो मैंने कहा पानी बेस्ट रहेगा ना कि रोजा खोलने, क्योंकि सारा दिन खाली पेट होता है, कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती, तो जूस भी पता नहीं कैसे कैसा होता है। तो अभी पानी लिया हमने, ये लो ब्रो पानी। सबसे पहले वायर को इस कटर के साथ छीलना पड़ेगा, उसके बाद कटिंग के लिए जो टूल्स है वो ये वाला टूल यूज़ होएगा कटिंग के लिए। एंड जैसे इसकी कटिंग होएगी उसके बाद दोनों वायर को यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे रख के इस बॉक्स को बंद कर दो, और जॉइंट जो है लग के यहाँ पे सस्पेक्ट को बता देगा कि आपका जॉइंट लग गया इतनी जल्दी।
आपको दिख रही है वायर कितनी ब्रीक ब्रीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वायर है ये वाली। ओए लाइट बंद हो गई। आपको दिख रही है बाल जैसी वायर, ये वाली वायर, ये वाली 2 4 6 6 वायर है, ये देख रहे हो मेरे हाथ में। हल्का सा भी इसको ऐसे कर दिया ना तो समझ लो काम इसका ख़त्म। इतनी पक्की, इतनी मजबूत है ये। अब इस बॉक्स के अंदर हैंग करेंगे लंच बॉक्स के अंदर इसको, इस तरीके से कि बाद में जॉइंट जो वो टूट ना जाए। टिकन बॉक्स हो चुका है रेडी इस तरीके से, यहाँ पे हैंग हो गया, दोनों जॉइंट लग गए। अभी 6 वायर का लगा दिया हमने जोड़, जॉइंट लगा दिया कंप्लीट। अंधेरा होगा काफ़ी ज़्यादा, आप देख रहे हो हमारे पीछे की तरफ, तो वैसे कि जो ये वायर है बस इसे यहाँ पे थोड़ा हैंग करके खंबे के ऊपर, तो उसके बाद निकलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम, और काम बड़ा बेकार है यार। इस काम के चक्कर में मत पड़ना आप, बड़ी फुद्दू लाइफ है। अरे लाइव कैसी है? सुपर 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 से ऊपर सुपर सुपर चल दिए। टाइम 7:45 हो चुके हैं, टाइम 7:45 हो चुके हैं, और अभी तक वहाँ पे ऊपर चढ़ा हुआ है। टाइम बहुत ज़्यादा लगा था ऊपर हैंग करने में, तो दिखाता हूँ आपको वो, देखिए प्रो। और यहाँ पे किसी की बर्बादी हो रही है वहाँ पे, अभी भी गाड़ी आई है दूल्हे की। वो देखिए, तो यार विदाउट पौड़ी इतनी ऊंच पर चढ़ना आसान बात नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रिस्की काम है। और प्राइवेट जॉब के अंदर है ना कुछ स्कूटी वगैरह भी रखते इस चीज़ की, तो बड़ा रिस्की काम है। चलो आखिर दो टाइम की रोटी कमाने के लिए तो कुछ करना पड़ता ही है। ये लीजिए हमारा बॉक्स ऊपर की तरफ चला गया, और ये हैंग कर रहे हैं, ये वायर है ऊपर 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 जा रही है। भाई आज का जो ब्लॉग है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो फाइबर का कनेक्शन था वो ऑलरेडी डन हो चुका है। तो अगर आपको ये कैसी लगी वीडियो तो हमें कमेंट में बताना, तो मिलते हैं अभी अगली वीडियो के बाद।